वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके 12वीं कक्षा के भूगोल का जो द्वितीय पुस्तक है भारत ग्लोबल अर्थव्यवस्था, उसका 7वां चैप्टर जो कि है खनिज और आपका ऊर्जा संसाधन। मैंने इस पूरे चैप्टर को 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये विभाजन मैंने इसीलिए किया है क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है और आप इसको एक-एक करके समझोगे तो अच्छा होगा। तो सबसे पहला जो भाग है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके खनिज संसाधन, उसका परिभाषा हम पढ़ेंगे, उसके प्रकार और उसका वितरण भारत में कैसे हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं खनिज का परिभाषा क्या है। तो खनिज के परिभाषा में मूल रूप से आपका क्या है, 5 चीजें आपको दिया गया है। 5 चीजों में है आपका, ये क्या है, खनिज क्या होता है, प्राकृतिक पदार्थ। उसके बाद आपका दिया है कि उसका निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं, और ये क्या है, कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का वो होता है, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं कि ये क्या होगा, ये प्राकृतिक पदार्थ है, ये तो क्लियर ही है, ये प्रकृति में आपको मिलता है, जैसे कि कभी कभी पत्थरों के बीच में आपको मिलेगा या फिर कभी आपको मिलेगा भूमि के नीचे, बहुत ही नीचे दबा हुआ, ठीक है। और इसके उत्पत्ति के बारे में बोले तो बोला गया है कि तो ये कार्बनिक होता है या फिर ये अकार्बनिक होता है। तो कार्बनिक में क्या आएगा उसका, अगर मैं आपको एग्जाम्पल, तो कार्बनिक में ऐसा होगा जैसे कि आपका कोयला है, कोयला क्या है, आपका कार्बन खनिज है, तो उसमें कार्बन का मात्रा है, इसलिए क्योंकि वो किसी जीवित वस्तु के मरने की वजह से और वो मिट्टी में मिलने की वजह से वो बना है, ठीक है। और अकार्बनिक क्या है, अकार्बनिक है कि किसी भी जीवित वस्तु से नहीं बना, वो बस एक वो भौतिक रूप से बना है, मतलब कि उसमें बस जैसे कि आप मान लो कि जो संगमरमर का पत्थर होता है वो भी प्रकार का, आप बोल सकते हो कि उसमें भी काफी सारे खनिज पाए जाते हैं। वो कैसे बना है, वो उसमें किसी प्रकार का कोई भी, उसमें जीव जंतु का कोई भी किसी प्रकार से रोल नहीं है, तो वो अकार्बनिक है, उसमें कार्बन का मात्रा नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हम अगर ये 2 शब्द है कि बोला गया है कि उसमें क्या होता है, निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर एक प्रकार का खनिज है तो उसमें एक निश्चित मात्रा में अलग अलग रसायन आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपका जो भौतिक गुण होंगे उस खनिज के वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। जैसे कि आप कोयला ही फिर से आप एग्जाम्पल में ले लो कि कोयले में क्या होगा, आपके भौतिक गुणों में क्या क्या होंगे, कि कोयले का रंग देख लो, सारा जो कोयला होगा उसका आपका रंग काला होगा। अगर आप देखोगे कि कोयले में कितना कार्बन का मात्रा है, तो वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा कि उसका रासायनिक गुण। उसी तरह से आप कोयले का आप अगर कोयला ना लेके किसी और चीज का भी आप देख रहे हो भौतिक या फिर रासायनिक आपका गुण, तो वो वही है बस। आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो कोयला एक प्रकार का कोयला एक खनिज हो गया और आपका पेट्रोलियम खनिज हो गया, वो क्या होगा, उन दोनों खनिज का खनिज अलग अलग होंगे क्योंकि उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग होंगे, लेकिन का जो रासायनिक और भौतिक गुण है वो आपस में एकदम ही सेम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उनमें निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण होते हैं, और साथ में वो किस किस तरह के उत्पत्ति के होते हैं, कार्बनिक या अकार्बनिक, ठीक है। और वो एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो खनिज का आपको परिभाषा अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं आपका खनिज के प्रकार। ये जो फ्लो चार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लो ताकि आप बाद में जाके कंफ्यूज ना हो। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा बाद में कि बॉक्साइट किस में था, वो अलोह धातु था या फिर ये लोह धातु में आता था, या फिर वो धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। इसीलिए आप ये अच्छे से कर लो कि खनिज के 2 प्रकार होते हैं, एक है धात्विक खनिज
और एक है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में क्या होगा, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो खनिज है उनके स्रोत पाए जाएंगे। वो धात्विक खनिज जो होते हैं वो धातु जो होते हैं, धातु जो हम इस्तेमाल में लेते हैं वो उनके स्रोत होते हैं। और अधात्विक खनिज क्या होता है, वो क्या होता है कि वो या तो जैसे हमारे यहाँ कार्बनिक या फिर अकार्बनिक, तो वो उसी तरह से अधात्विक खनिज में क्या होता है कि वो या तो कार्बनिक या फिर अकार्बनिक रूप से आपका बनता है। और उसमें ज्यादा से ज्यादा वो खनिज में जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, मतलब कि जैसे पेट्रोल हो गया या फिर जो कोयला हो गया, ये सारी चीजें कैसे बनी है, मरे हुए जीव या फिर जंतु से, ठीक है, पेड़ पौधे या फिर जंतु से। तो ये सारी चीजों की वजह से ऐसे खनिज बनते हैं, ठीक है, जो अधात्विक खनिज है ये बनते हैं। जो स्पेशली जो इसका ईंधन खनिज का जो प्रकार है ये वाला जो है, ये उसी वजह से मतलब कार्बनिक, और कार्बनिक में ज्यादातर कार्बनिक जो प्रतिक्रिया होता है, उत्पत्ति होता है, उसी के वजह से आपका अधात्विक खनिज बना है। तो अगर आपको बोला जाए कि आप धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज को किस तरह से विभाजित करेंगे, अपने कॉपी में लिखे आप डिफरेंस आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, आप 2 मिनट के लिए सोचो और लिखो। तो आप लिखना पॉज करके, उसके बाद अभी ये सुनो, अगर आपका हो गया है। धात्विक खनिज जो होता है उसमें हमें धातु मिलेंगे, धातु जैसे कि आपका लोह धातु हो गया, या फिर मैंगनीज हो गया, या फिर सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सब मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी और जो अधात्विक खनिज है उसमें आपको क्या मिलेगा, जो आपके कार्बनिक या अकार्बनिक जो धातुएं होती है, मतलब कि जिनमें मूल रूप से धातु नहीं होते हैं, मतलब जो लोह धातु हुआ या फिर अलोह धातु हुआ वो ना होके उनके जिनमें दूसरी प्रक्रिया जो ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक प्रक्रियाएं होती है उनमें वो सारी चीजें होती है, ठीक है। तो आपका अलग अलग हो गया होगा, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, तो वो है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि हम फिर इसको डिवाइड की डिफरेंस में ही हम ये बोल सकते हैं कि धात्विक खनिज के, फिर वो धात्विक खनिज को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। पहला है लोह धातु, तो अगला है अलोह धातु। तो लोह धातु में क्या होगा, लोहा होगा, आपको लोहा मिलेगा, ठीक है, मतलब कि वहां पे जो आयरन कंटेंट है, ठीक है, जो आयरन है उसका कंटेंट आपको ज्यादा ज्यादा मिलेगा। और जो अलोह धातु है उसमें आपको लोहा नहीं मिलेगा, मतलब लोह जो अयस्क है, आयरन ओर जो है उसकी कमी होगी, तो इसीलिए वो अलोह धातु में आता है। अलोह धातु में क्या क्या आता है, आपका तांबा आता है, बॉक्साइट आता है, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। और लोह धातु में लोहा आएगा, मैंगनीज आएगा, ये सारी चीजें होता है, ठीक है। उसी तरह से आप अपने विभाजन में ये भी लिख सकते हो कि अधात्विक खनिज में क्या क्या होगा। आप लिख सकते हो कि अधात्विक खनिज को हम विभाजित कर सकते हैं ईंधन खनिज में और अन्य अधात्विक खनिज में। ईंधन खनिज में क्या आएगा, उसमें आएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस जो हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में, आपका गाड़ी चलाना हो गया, या फिर घर में अगर आपको आग जलाना है खाना बनाने के लिए, ये सारी चीजों में आपका ये जो ईंधन खनिज है ये सब इस्तेमाल होता है, फिर औद्योगों में होता है, ठीक है। और दूसरी और आपका क्या होगा कि जो अन्य अधात्विक खनिज है उसमें आपको क्या आएगा, माइका, या फिर जो चूना पत्थर होता है, ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल में यूज होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका चूना पत्थर जो पान में चूना पत्थर, या फिर जो दीवार में पेंटिंग पेंट करते हैं तो तब लगाते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, आपका अन्य अधात्विक खनिज में आपको आता है, ठीक है। तो ये सारा था आपको खनिज का प्रकार। अभी मैं एक और चीज बता दूं कि खनिज के क्या क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब खनिज में आपके क्या क्या चीज होता है, तो वो मैं आपको बता दूं। आपके बुक में है, आप खोल ले पेज नंबर 73,
उसमें तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है खनिज कैसा होना चाहिए, तो क्या होता है खनिज का वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो दिया हुआ है कि जो खनिज है वो भौगोलिक रूप से अलग अलग जगह में अलग अलग तौर से वो वितरित है। तो ऐसा नहीं है कि एक खनिज है तो वो हर जगह में पूरे विश्व में या फिर पूरे भारत में वो समान रूप से मिलेगा, वो अलग किसी जगह में ज्यादा मिलेगा किसी जगह में कम मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जो है आपका कैरेक्टर वो है कि आपका जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी है उसमें एक इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब वो एकदम ही उल्टा रिश्ता है। अगर आपका जो खनिज का मात्रा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है एक जगह में, तो क्या होगा कि उस जगह का खनिज का जो क्वालिटी है, ठीक है, जितना अच्छा है, जितने उसके गुण अच्छे हैं, वो खराब होगा, वो कम अच्छे होंगे अगर वो ज्यादा मात्रा में वहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीज बोला था कि जो लो क्वालिटी के जो होते हैं खनिज वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में मिलता है, वो चीज है। और तीसरा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, वो समय के साथ आपका खत्म होने का क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें बहुत मूल रूप से आपको खनिज में जाने को मिलेगा। तो क्या होता है कि वो खनिज तीसरा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खनिज क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करो तो वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जब खनिज का इस्तेमाल करो तो वो आप बहुत संभल के करो और उसको आप समय के साथ आप उसको बचा के रखो, ताकि आपका जो अगला पड़ाव होगा मतलब अगला जो जनरेशन होगा तो उसके लिए ये खनिज बचे, ठीक है। तो ये सारे खनिज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी हम बात करेंगे भारत में खनिज का वितरण किस प्रकार हुआ है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि खनिज के क्वालिटीज में क्या क्या है कि वो भौगोलिक रूप से हर जगह समान रूप से वो नहीं पाए जाते हैं, तो वही चीज हमारा अप्लाई होता है भारत में, ठीक है। तो भारत में जो खनिज होता है वो कहीं पे कोई एक खनिज बहुत ज्यादा पाया जाएगा, कहीं पे बहुत कम पाया जाएगा, और किसी किसी जगह पे ऐसे होता है कि वो एक जगह में ही बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि आपका बोला गया है कि जो कोयला होता, कोयला जो है, कोयले का जो आपका भंडार है वो 97% कहाँ पाया जाता है, वो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी जैसी नदियों के घाटी में पाया जाता है। उसी तरह से जो पेट्रोलियम है उसका भंडार जो है, उसका जो आरक्षित भंडार है वो कहाँ पाया जाता है, वो असम में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, या फिर मुंबई जैसी जगहों में पाया जाता है। मुंबई के पास जो अरब सागर है वहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सब हर चीज का आपका वो दिया गया है कि आपको यही समझाया गया है कि जो खनिज होते हैं वो वितरित होते हैं अलग अलग प्रकार में, मतलब अलग अलग भौगोलिक जगह में अलग अलग मात्रा में, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि जो खनिज है वो मुख्यतः किन किन जगहों में पाए जाते हैं, मतलब कि जो खनिज हमें मिलता है भारत में वो पट्टियों में पाए जाते हैं, कहीं कहीं पे वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उनको हम विभाजित कर सकते हैं प्रमुख पट्टियों में। तो आपके किताब में तीन प्रमुख पट्टियों के बारे में बोला गया है और कई सारे छोटे छोटे पट्टियों के बारे में बोला गया है, तो हम पढ़ते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये मैप बनाया है, इतना अच्छा नहीं है पर फिर भी आपके समझने के लिए, आपके बुक में नहीं है, आपका ये बस लिखित में दिया गया है, तो मैंने ये मैप बनाया ताकि आपके लिए आसान हो पढ़ने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला बेल्ट, ठीक है, जो आपका है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या क्या है, कौन सा राज्य दिख रहा है आपको, अगर आप मैप में देखो तो कौन सा दिख रहा है आप मुझे बताएं। तो इसमें आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल, झारखंड मूल रूप से, ठीक है, उड़ीसा दिखेगा आपको, ये मेन क्षेत्र है,
ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा आपको भाग मिलेगा। तो ये सारे राज्य है, ये सारे राज्य आपका, ये जो पट्टी है आपका उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, वो आपको दिखाता है। और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, विभिन्न प्रकार के खनिज आपके उपलब्ध है, जैसे कि लो अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, और आपका जो वो है मिक्का जो है, मतलब अभर्क जो है, ये सारी चीजें आपको इस वाले बेल्ट में मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश का। तो ये कौन सा पट्टी है, ये पट्टी है कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु और केरल का। ठीक है, तो कौन सा होगा ये, आप यहाँ पे देख के बताएं कौन सा होगा, ये पिंक वाला होगा। ठीक है, पिंक वाला। तो यहाँ पे गोवा है, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, तो ये सारी मिलके आपका क्या बनाएगा, आपका दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। तो यहाँ पे आपको कौन सा खनिज मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा मोनोजाइट, थोरियम और बॉक्साइट। मोनोजाइट, थोरियम, ये सब क्या है, ये सब सारा न्यूक्लियर आपका एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर ऊर्जा होता है उसमें इस्तेमाल होता है ये बॉक्साइट, और ये सारी चीजें आपको मिलेगा इस वाले पट्टी में आपका। और भी दिया गया है यहाँ पे क्या क्या मिलता है, लो अयस्क मिलता है, फिर आपका मैंगनीज मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, ये सारी चीजें आपको, ये सारे धातु आपको मिलेंगे दक्षिण पश्चिम थार प्रदेश में। ठीक है, आप में देख लेते हैं, फिर से याद कर लेते हैं कौन सा था आपका, कौन सा राज्य होगा, गोवा आपका, कर्नाटका, यहाँ पे आपका तमिलनाडु का, केरल। ठीक है, और आप, हमने ये भी पढ़ा था, ये आपको याद होना चाहिए। अभी आप बताएं मुझे ये क्या क्या होगा आपका, जो झारखंड है उसका वो मुख्य रूप से मिलेगा आपको, ओडिशा, बंगाल, मतलब कि पश्चिम बंगाल, और आपको छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट मिलेगा। तो ये सब आपका था उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश में। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा ये दो बेल्ट। अभी हम बात करते हैं जो तीसरा हमारा मुख्य जो पट्टी है उसके बारे में, वो क्या है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश का जो है पट्टी, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो मुख्य रूप से जो अरवली जो पहाड़ है आपका, जो धारवाड़ के जो खनिज है वो सारे मिलते हैं आपका अरवली जो पहाड़ है उसके आसपास से होके। मतलब आपका अरवली पहाड़ कहाँ है, वो है आपके राजस्थान और गुजरात में। तो ये है आपका, ठीक है, ये है उत्तर पश्चिमी आपका पट्टी, यहाँ पे है आपका अरवली पूरा, तो इसके आसपास ये सारा है। ठीक है, में हम देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। तो राजस्थान में क्या क्या मिलेगा, तो राजस्थान वाला पार्ट है उसमें आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा जो आपका बालू पत्थर, बालुआ जो पत्थर, वो ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसी ये सारी चीजें जो भी आपका भवन निर्माण में काम आता हो, घर बनाने में जो फ्लोर में आपको दिखता है, हम लगाते हैं घरों में, तो ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, राजस्थान वाला जो पार्ट है इस पट्टी का वहां पे मिलेगा। ठीक है, फिर आपको दिया गया है डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करता है। तो डोलमाइट और चूना पत्थर भी आपको मिलता है ये सब। ठीक है, फिर आपका है गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। आप जानते होंगे कि गुजरात और राजस्थान दोनों में नमक का समृद्ध स्रोत है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे आपका इस ये जो पट्टी है इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या खनिज है, तो आपको क्लियर हो गया। राजस्थान में क्या क्या मिलता है, राजस्थान में आपको मिलेगा मार्बल, ग्रेनाइट, ये सारी चीजें, ठीक है, सैंडस्टोन। फिर गुजरात में आपको मिलेगा जो पेट्रोलियम का उत्पादन है गुजरात का, वो बहुत ज्यादा है, तो वो सारी चीजें मिलेंगी। फिर डोलमाइट वगैरह भी जो सीमेंट उद्योग में जाता है वो सबका इस्तेमाल होगा। तो ये जो पट्टी है आपका उत्तर पश्चिमी जो है, तो ये सबके लिए जाना जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि
और जो छोटी छोटी पट्टियां हैं उनके बारे में क्या दिया गया है आपके किताब में? ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि हिमालय की एक पट्टी है खनिज की, जहाँ पे तांबा शीशा जैसा कोबाल्ट तथा रंगतरन पाया जाता है। उसके बाद वो हम बोल सकते हैं कि हिमालय ये वाला पूरा एरिया है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा अलग अलग जगह में ये सारी चीजें। ठीक है, उसी तरह से आपको बोला गया है कि जो असम घाटी है वहां पे खनिज तेल तेल का निपेक्ष है, मतलब जो पेट्रोलियम का पेट्रोलियम ऑयल है, पेट्रोलियम तेल है, वो असम घाटी में पाया जाता है, वो तो आप जानते हो। तो उसको मैंने अब यहाँ पे लोकेशन से दिखाया है, कोयला और तेल जो है असम घाटी में नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, और ये है मेघालय का पठारी प्रदेश, तो वहां पे भी पाया जाता है तेल वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के खनिज आपका पाया जाता है, ये भी एक तरह का खनिज पट्टी है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट आपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में भी पाया जाता है, मतलब कि ये वाला पूरा जो पोर्शन है मुंबई हाई बेसिन जो है वहां पे क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। जैसे आसाम में पाया जाता है तेल, वैसे ही यहाँ पे भी पाया जाता है मुंबई के पास, मुंबई हाई जो है अरब सागर में, वहां पे आपका इस तरह का जो खनिज है, तेल खनिज है, इस तरह की चीजें पाई जाती है। वैसे ही आपके किताब में नहीं दिया है सेंट्रल बेल्ट के बारे में और सदर्न बेल्ट के बारे में। सेंट्रल बेल्ट जो है एकदम आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा यूपी, ये सारा मिला के यहाँ पे भी मूल रूप से खनिज पाए जाते हैं। आपके किताब में नहीं है पर फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बता रही हूँ। वैसे ही जो दक्षिणी आपका पट्टी है वो भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है, दक्षिणी पट्टी में भी बहुत सारी खनिज मिलती है और औद्योगिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही जो आपका सागर के किनारे किनारे, जो समुद्र किनारे किनारे की जो जगह है वहां से बहुत सारे खनिज मिलते हैं, तो वो भी एक बहुत ही ज्यादा मुख्य पट्टी माना जाता है भारत का। तो हमने इस वीडियो में देख लिया है कि खनिज का मतलब क्या है, खनिज की परिभाषा हमने समझी है अच्छे से, उसके प्रकार समझे हैं हमने, और खनिज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हमने समझा है। वो उसमें तीन चीजें हैं कि वो एक समान तरीके से हर जगह में नहीं वितरित है, और साथ में हमने जाना है कि जहाँ पे खनिज का क्वालिटी अच्छा होता है वहाँ पे वो कम पाया जाता है, वो पर्टिकुलर वो जो खनिज है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, और जहाँ पे उसका क्वालिटी खराब है वहाँ पे वो बहुत ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में पाई जाती है। और हमने तीसरा क्या पढ़ा था उसका कैरेक्टरिस्टिक, वो था कि खनिज जो है वो समय के साथ खत्म भी हो सकता है अगर हमने उसका बुरी तरह से इस्तेमाल किया। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा वितरण खनिज का, उसमें हमने पढ़ा कि जो प्रमुख तौर से तीन पट्टियां है वो है आपका, तीन पट्टियों में आपका आएगा उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश। के साथ हमने पढ़ा है कि अन्य पट्टियां भी मूल रूप से मायने रखती है, जैसे कि हिमालय की जो पट्टी है वो असम घाटी में जो खनिज मिलता है वो, और साथ में पढ़ा कि जो दक्षिणी पट्टी है वो और जो सेंट्रल पट्टी है सेंट्रल इंडिया में है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है भारत की खनिज पट्टियों में, और कोस्टल एरियाज में है सागर के साइड साइड में वो सारी भी पट्टियां बहुत, वो जो पट्टी है खनिज की वो भी मूल रूप से हमें बहुत सारी औद्योगिक चीजें देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।